शक्ति, आज इस घर में पुलिस वाला आया है। गलती सुधार। तूने जो FIR दर्ज किए मेरे आदमियों पर, उसे वापस ले। मेरे आदमियों को जेल से बाहर निकाल। उसके लिए तुझे जो करना पड़े कर। उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जा तू, बाद में बात करते हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। गुस्से में है? बहुत ज्यादा। अपने आप से भी हूं और तुम सबसे भी। तुझे इस वर्दी में देखकर ही मैं समझ गया था कि तू मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। बात क्या है? बस बहुत हुआ, बुरे काम छोड़ दो, गलत है। अचानक क्या हो गया? शुरुआत से मेरी नजर में यह सब सही था, लेकिन आज मुझे ये सब गलत लगता है। मैं चाहता हूं कि आप बुरे काम छोड़ दें। शक्ति, जो भी कुछ हो रहा है बरसों से चला आ रहा है, क्या वो सब गलत है? लोगों को धमकाना कहां से सही हो सकता है? हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। इसी काम से खाना आता है इस घर पर? पहले आता था, लेकिन आज के बाद नहीं। मुंह बंद रख, जितना कहा उतना कर। आपने मुझे पुलिस फोर्स में भेजा, अब मेरी एक राय मानो, सुधर जाओ। शक्ति, शिवा जो सुनना चाहता है तू सिर्फ वही बोलेगा और कुछ नहीं। तू जो बोलेगा वो नहीं सुनूंगा। लेकिन क्यों नहीं सुनना चाहिए? सुनना पड़ेगा। शक्ति, तेरी इतनी हिम्मत? मैं अपने पापा से बात कर रहा हूं। शक्ति, तूने लड़ने का मन बना लिया है? सुधारने का मन बना लिया है। किसे सुधारने का? आपको सुधारने का। लेकिन तू तो मेरी तरह बनना चाहता था। अब मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। शक्ति, अपनी हद में रह। आज तक यही करता आया हूं, लेकिन आज तो देखा उसने मुझे हिला के रख दिया। हर तरफ मासूम बच्चों की लाशें, लहूलुहान रोते पिलकते लोग। अब बस। खामोश। अब तक शिवा तेरे साथ खड़ा रहा, क्या तू शिवा से दुश्मनी मोल लेगा? अपने बाप से? की उम्र में गुस्से में तू लोगों पर पत्थर चलाता था। मैंने उन्हें मारकर तुझे बचाया था। खून खराबा बंद कर दो। मैंने अपने बाप को इस खाकी की वजह से खोया है, लेकिन अब ये खाकी आपकी जान बचाना चाहती है। मैं आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोक सके तो रोक ले, इस शहर का बाप सिर्फ शिवा है। नहीं, अब आप कुछ नहीं हो। इस शहर का बाप है पुलिस, पुलिस फोर्स। सन, आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं डरता। मुझसे लड़ेगा? रोकूंगा। तू हार जाएगा। जीतूंगा। अगर शिवा नहीं तो शक्ति नहीं। शक्ति का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। आपको लगता है हमारा सिस्टम कुछ सुधर सकता है? चिपका क्यों दिया सर? मैं डे शिफ्ट में ऑलरेडी कमा चुका हूँ सर, नाइट शिफ्ट में क्यों बुलाया? तो अंदर जाके पता कर। पत्नी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा? जा रहा हूँ। सब लोग आ गए।
भाई के रूप बदले बदले लग रहे हैं। आपको इतनी रात बुलाने की खास वजह है, आज हमें इस खाकी की कीमत चुकानी है जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। कल सुबह होने से पहले हमें सारे गुंडों का खात्मा करना है, ऑपरेशन क्लीन। शिवा के नाम से जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं उन्हें अरेस्ट कर लो। पहले दादाजी और अब बाप। पुलिस का मुजरिमों पर हंसना ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस खाकी वर्दी को पहनने से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं शहर की गंदगी साफ कर सकता हूं, लेकिन इसे पहनने के बाद मुझे यकीन है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब तक मेरे बदन पे ये वर्दी है मैं अपने दादा की कसम खाता हूं मैं अपनी ड्यूटी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं तो सालों तक आजमगढ़ में अमन चैन रहेगा और लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सिखाई बातें याद है ना, तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। एक पुलिस वाले का फर्ज है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना, फर्ज के आगे और फर्ज से ज्यादा ना हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है और ना ही रखना चाहिए। 66 की उम्र में एक स्मगलिंग केस में उन्होंने 7 मुजरिमों का एनकाउंटर किया, 5 जख्मी मासूमों को हॉस्पिटल पहुंचाया और एक पुलिस को बचाने में शहीद हो गए। बाद में खबर आई कि उन्हें धोखे से मारा गया था। जानते हो किसकी बात कर रहा हूं? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मेरे दादा अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। तुम में से अगर किसी में वो हौसला है सिर्फ तभी इस जंग का हिस्सा बनना। सर, क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा, हम उन्हें मेहनत से पकड़ कर लाते हैं और नेता उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। छुड़ाने दो, लेकिन अगली बार कायम करते हुए इसके हाथ थर थर कांपेंगे और उनके डर में ही हमारी जीत है। कानून मुजरिमों की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। चलो मिलकर इस शहर की गंदगी को साफ करें। आर यू रेडी? लेबरिया, यहां पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अल्फा टीम, यस सर। तुम वहां चार्ज दो। ब्रावो टीम, यस सर। शाहगंज को तुम कवर करोगे। चार्ली टीम, यस सर। मुगल सराय तुम्हारे चार्ज में। डेल्टा सर, निजामबाद सर, और शांति तुम सराय मीर संभालो। यस सर। लेट्स गो। शक्ति भाई, आओ शक्ति आओ, तुम्हारी बदौलत बहुत माल कमा रहा हूँ। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया हूँ। क्या बात है, क्या कहा? अरेस्ट? हाँ करूँगा। तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ले जाओ इसे। भाई सुनो तो सही। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। वैसा देख, तमाशा देख। हाँ? देख तो सही, उठे या नहीं? यस सर। अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। वो उसके ऊपर सो रहा होगा, जाके पकड़ लो उसे। अंधेरी रातों में ये जुर्म मिटाने निकला या नैन मटक का करने? गुड, आई अप्रिशिएट। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा?
आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे? मेरा कोई दादा वादा नहीं है। क्या? वो क्या है, अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला था। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता। रात के वक्त तो यहाँ कोई लाश दफन करने भी नहीं आता सर। गेट खोल के अंदर तो जा, जा जा अंदर देख। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के भाग रहे हैं सर। आई लाइक इट। सबको रेस्ट कर ले। अंदर अंदर डालो सबको, लाइन में डालो। इन्होंने नाक में दम कर दिया है भाई, ये कुछ ज्यादा ही है। और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चल। अरे मुझ पर नहीं, लॉरी पर चल। अरे आपने लॉरी क्यों मंगाई है भाई? क्या प्लेन मंगाओ? डिमांड बढ़ती जा रही है, पुलिस से होशियार करता। जाओ ऊपर जा, चल तू भी जा। ए शक्ति तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटवा दूंगा। शिवा भाई के आदमी को कौन जेल में डालेगा? यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो? तुम लोगों की किस्मत में बेल नहीं जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले? शर्माओ मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटवाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। हर जगह अफरा तफरी मच गई और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेब कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस की हत्या चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अरेस्ट कर लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चढ़ गई है उसे, निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से। मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है। सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ। गुड बाय। उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक भी नहीं छोड़ा। शक्ति, उसके नाम से भी नफरत है ना तुम्हें? अब वो शहर का एसीपी है। उसने अपना एग्जाम सही तरीके से पास नहीं किया है। उसे एसीपी बनाने के पीछे हमारा ही हाथ है। चेक करवा लो, सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। उसने तुम्हें जो जख्म दिए उसे भूलना मत, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा।